यस स्टार्ट 100 शब्द प्रति मिनट की गति। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छा होता कि यह बजट असम विधानसभा में ही प्रस्तुत होता और वहाँ पर इसके संबंध में कार्रवाई होती, लेकिन हम से वह हाल नहीं छुपा है जो कि एक लंबे अरसे से वहाँ पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीने में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिए से हल किया जा सके। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया कि इस आंदोलन के अंदर पृथकता की भावना है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता का विष है और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को जबरदस्त खतरा है, इसलिए इसका कोई ना कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए। लेकिन ये बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक हल क्या हो। जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती, बल्कि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं। कहाँ से धन आ रहा है, कौन धन दे रहा है, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकाएँ हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचीत के जरिए से हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। यह बात साफ जाहिर है कि वहाँ पर आंदोलनकारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ विरोधी पक्ष भी उन मांगों को पूर्णतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं, और अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरे हिस्सों पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। कहा यह जाता है कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के शासन में यह खराबी वहाँ पर पैदा हुई, विदेशी लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 30 साल बाद जब जनता पार्टी का शासन आया तो क्या जनता पार्टी की सरकार ने इस आंदोलन के शुरू होने से पहले इस संबंध में विदेशी लोग वहाँ पर आकर ठहर गए हैं, क्या कोई कार्रवाई की? 2 साल तक जब तक जनता पार्टी का विघटन नहीं हुआ था असम में कोई आंदोलन नहीं था, कभी भी कोई कदम उठाने की बात नहीं की गई। जब असम में आंदोलन शुरू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनकी मांगे वाजिब हैं, उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। 1977 में जो आम चुनाव हुए उस चुनाव के समय तक कहीं यह बात नहीं उठाई गई, सभी लोग उस चुनाव की वोटिंग में शरीक हुए, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने और दूसरों ने कहा कि 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनके संबंध में जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक प्रयत्न किए गए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने बातचीत का जो हाथ बढ़ाया उसको आंदोलनकारियों ने गलत समझा। उन्होंने समझा कि
अधिक जोर लगाकर चलो तो कुछ ना कुछ और हमको लाभ होगा। ऐसी नौबत भी आ गई कि पहले अगर बातचीत का निमंत्रण दिया जाता था तो आने के लिए वे लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन वे अब कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो असम में आकर करो, दिल्ली आकर हम बातचीत नहीं करते। इससे आभास मिलता है कि बातचीत और रियायत को वे सही स्पीड में नहीं देखते हैं।